इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से, जहां आज एक दर्दनाक हादसे में 76 लोगों की मौत हो गई जबकि 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ढाका में 8 मंजिला एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिस दौरान ये इमारत गिरी, उसके बाद राहत और बचाव कार्य वहां पर तेजी से चलाया जा रहा है। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री AFM राहुल हक के मुताबिक दोपहर तक करीब 70 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि राहत और बचाव के काम में लगे कर्मचारियों के मुताबिक अब तक मलबे से 600 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अभी भी आशंका है कि इस मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुपम, अभी किस तरह की खबर मिल रही है वहां से, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है क्योंकि काफी घनी बस्ती वाला इलाका है ढाका। वैसे भी जो शहर है बहुत ही घनी बस्ती वाला शहर है, और ये जो इमारत है 8 मंजिली इमारत है, राणा प्लाजा इमारत का नाम है, कमर्शियल इमारत, इसी में ये घटना हुई है। ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है, जहाँ पे अभी तक तो 70 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। काफी बड़ी जगह लेके जो मलबा है वो गिरा हुआ है, तो इसमें काफी वक्त लगेगा, और भी समझा जा रहा है और भी डेड बॉडीज दबी हुई है, कुछ जिंदा लोग भी हैं जो मलबे में दबे हुए हैं, उनको सबको निकालने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया अनुपम आपका इस जानकारी के लिए।